सुनिए, अरे सुनिए। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहा है? इधर आना। आता हूँ। मैंने ना रात को ही बोला था कि मुझे मायके जाना है और जल्दी उठ जाना, पर अभी तक सो रहे हैं। देखो अभी तक तैयार नहीं हुए, इतने लेट रहती पति हैं, क्या करूं मैं इनका। अरे आप आ भी जाइए ना। आता हूं। हाँ, क्यों सिर्फ चिल्ला रही हो? सुबह सुबह पूरा घर सर पे उठा रखा है, क्या बात है? तो रात को ही बोला था ना कि सुबह मुझे छोड़ना है। हाँ हाँ, तो मैं रेडी हो रहा हूँ, मुझे टाइम भी तो लगेगा थोड़ा। हाँ बताओ, चले? टाइम देखा है आपने? हाँ टाइम तो लेट हो गया होगा, मेरा फोन कहाँ में लेके आता। चलो ठीक है, तुम तो रेडी हो? हाँ मैं रेडी हूँ, चले। बस आप जल्दी से आ जाओ, अपना जो भी लेनी चाबी वगैरह ले लो। ठीक है, मैं भी अपना सामान उठा लेती हूँ। इसके जाने के बाद मेरा खाना कौन बनाएगा? पता नहीं था। हाँ जी, ये मेरा सामान है। सुनती हो जी, तुम तो जा रही हो एक महीने के लिए, अब तुम्हारे जाने के बाद मेरे खाने का क्या होगा? खाने का क्या है, आप मैनेजर को बोल देना ना, वो कोई कामवाली ले आएगा, बना देगी खाना आके। तुम तो जानती हो तुम्हारे अलावा मैं किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं करता, और पता नहीं कोई नई लाल बनाने वाला आएगा, मेरे हिसाब का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मैनेज कर लेना, एक महीने क्या हो जाता है। एक महीने मैनेज करता है कोई, मगर तुम्हारा क्या है? चलो मैं तो उसे बोल देना कोई अच्छी सी कोई कामवाली रख लेगा, और जो तुम्हें अच्छे से खाना बना के देगी। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कर लूंगा मैनेज। हाँ। चलो चलो, मुझे भी देर हो रही है, आप चलो पहले फोन तो उठा लो, अपना फोन छोड़ दिया। दिखाई नहीं दे रहे सर, सर कहीं गए होंगे। चलो तब से मैं अपना कुछ काम कर लेता हूँ। घरवाली को तो मैं छोड़ आया, अब देखता हूँ ये मैनेजर कहाँ पर है, उसी को बोलता हूँ किसी काम वाले का इंतजाम करे, वरना मैं कितने दिन तक भुखा रहूंगा। चलता हूँ। काफी टाइम हो गया सर, कहाँ रह गए? अभी बहुत लेट हो रहा है अब तो। चलो देखो कब आते हैं। अरे हाँ, गुड आफ्टरनून सर, कहाँ थे आप? मैं यही था, काफी लेट हो गया भाई। तो सुनाइए कैसा चल रहा है सब काम? बढ़िया सर, काम सही चल रहा है। ठीक है, तुम बैठो। ओके सर, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, वर्मा जी की जो पेमेंट थी वो आने वाली, वो आ गई सर? वो पेमेंट अभी पेंडिंग में है, मैंने बात किया है वहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि अभी एक दो दिन टाइम और लगेगा। एक दो दिन? हाँ सर। उनका मालूम है आपको पूरा महीना निकल गया है इस महीने? हाँ सर, मैंने बोला कि पेमेंट थोड़ा जल्दी करवाइएगा, बोले दो दिन का टाइम आप और दे दो। ठीक है, और वो गुप्ता जी का सामान पहुँचा दिया? गुप्ता जी का सामान पहुँच गया सर। ठीक है, और कोई दिक्कत तुम्हें? सर एक बंगलोर की पार्टी है ना, बंगलोर वाली जो पार्टी है ये मतलब थोड़ा जल्दी डिलीवरी चाहती है, और अभी अपने पास थोड़ी दिक्कत चल रही है। दिक्कत किस चीज़ की? दिक्कत चल रही है मैनेजमेंट की, थोड़ी दिक्कत है सर, क्योंकि जो अपने बंदे हैं वो भी हैं नहीं अपने पास अवेलेबल, तो मैंने उनसे थोड़ा टाइम लिया है। तो लेबर को बढ़ाकर इनका प्रोडक्शन जल्द से जल्द पूरा करो। नहीं सर, मैंने मैनेज कर दिया है, कल से आ जाएंगे सारे लेबर। उनसे मैंने बोल दिया कि दो तीन दिन का टाइम लगेगा, आपकी डिलीवरी हो जाएगी माल की। ठीक है, तो तुम्हें कोई पैसे की दिक्कत आए तो मुझे बताओ। नहीं सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके, मुझे मैं जानता हूँ तुम ये सब काम अच्छे से कर लोगे। थैंक यू सर। ओके सर।
अरे हाँ सुधीर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए। दरअसल वो तुम्हारी मैम साहब हैं, वो एक महीने के लिए अपने मायके चली गई। अच्छा सर, तो आप तो जानते हो उनके अलावा कोई है नहीं घर में, तो मुझे खाने बनाने वाली की ज़रूरत है, क्या तुम इसका अरेंज कर सकते हो? ठीक है सर, मैं मैनेज करता हूँ, बात करता हूँ, करता हूँ जल्दी मैनेज। अच्छा ठीक है, कुछ चेक्स हैं उनको तुम बैंक में डाल दो और शाम तक काम वाली का इंतजाम तुम कर देना। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके चलो, सुधीर शाम तक काम वाली का भी इंतजाम कर देगा। मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, बीवी को छोड़ के आया जब से मैंने आराम ही नहीं किया, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, काम वाली को फ़ोन किया था वो आई नहीं अभी तक। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ मैंने बुलाया था, आइए बैठिए आप। एक्चुअली क्या है, वो मैंने तुम्हारे लिए जगह काम देखा था, मेरे मालिक के घर पे है, तो उनकी वाइफ गई है एक महीने के लिए मायके। अच्छा। तो वहाँ पे खाना वाना बनाने का काम है, तो आप देख लेना, बाकी पैसे की टेंशन मत लेना, पैसे वैसे मैं मुझे ही देना है, सब मैं मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो। हाँ मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। अभी जाऊँगी उनके पास या फिर? हाँ आप अभी चले जाओ सर, अभी हैं वहीं पे हैं। ठीक है, घर पे मैं निकल रहा हूँ। ओके ओके, मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ। ठीक है। चल के देखती हूँ, क्या पता कोई हो। सर कौन? वो मुझे सुधीर ने भेजा है। अच्छा सुधीर शर्मा ने? हाँ जी। ओके ठीक है, किस काम के लिए? यहाँ पर खाना बनाने के लिए काम। अच्छा अच्छा, भाई के लिए। ठीक है बैठिए आप। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका ठीक है, तो पहले कहीं काम करते थे आप? हाँ करते थे। अच्छा आप, ऐसे तो आप सुधीर की जानने वाली हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो खाना बना लेते हैं आप अच्छे से। देखिए मुझे शुगर है, ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तीखा मैं नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना किया, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल के बनाना खाना। और एक महीने के लिए हमने आपको रखा, और आपका काम पसंद आया तो शायद मैम साहब आपको परमानेंट रखें। सामने लेफ्ट में मेरा किचन है, तो वहाँ से आप एक कप कॉफ़ी मुझे पिला दीजिए प्लीज़। ठीक है सर। तो इसे सुधीर ने भेजा है, देखते हैं, लड़की तो खूबसूरत है, शायद सुधीर बात बना दे। और इसकी मानकिल भी एक महीने के लिए बाहर गई, तो
शायद कुछ चटपटा हो जाए। वैसे तो डॉक्टर ने सारी बातों के लिए मना किया है, चटपटा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, ऐसे तो हम मर जाएंगे। लेकिन सुधीर मेरी मर्ज को समझता है कि मुझे किस दवा की जरूरत है। शायद सुधीर इस काम को अच्छे से करेगा। मुझे सुधीर को फोन करना चाहिए। हेलो सुधीर। हाँ जी सर। क्या हुआ उस फाइल का जो मैंने तुम्हें दी थी? सर भेज दिया, मैंने मेल कर दिया है। अच्छा, और वो जो मैंने चेक दिए थे, मैंने कहा था बैंक में ड्रॉप करने हो गया सर, हो गया वो। अच्छा तुम, अच्छा फील्ड का सारा काम तुमने कर लिया है? हाँ जी सर। तो सुनो। हाँ जी सर। तुम एक बार मेरे पास आओ ना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है सर, मैं 10 मिनट निकलता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जल्दी आना। ठीक है सर। ओके सर। ओके। साहब आपकी कॉफी। हाँ थैंक यू मोनिका, बैठो। नहीं साहब। अरे बैठ जाओ, तुम शर्माती क्यों? बहुत काम है ना। काम को छोड़िए, हमने काम के लिए थोड़ी रखा आपको, सिर्फ खाना बनाने के लिए रखा है। काम करने के लिए तो हमारे पास बहुत लोग हैं। तो आपको भूख लगी होगी ना, तो इसलिए भूख सिर्फ एक कॉफी की थी, वो मैंने बनवा ली। और घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा भाई। मम्मी पापा भाई, आप सबसे बड़ी? अरे वाह, कॉफी तो बड़ी प्यारी बनाई तुमने। धन्यवाद सर। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, खूबसूरत लोगों के हाथों से खूबसूरत ही चीज बनती है। वैसे अगली बार से मीठा कम डालो, क्योंकि मुझे शुगर है। और वैसे ही जब से तुम आई हो मीठा मीठा ही कुछ लग रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो मेरा शुगर बढ़ जाए। नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कॉफी मैंने पी ली है, जब तक तुम कोई अपना काम कीजिए। हाँ जी सर, बुलाया था आपने? हाँ, तुम जाओ जरा, मुझे इनसे कुछ बात करना। ठीक है सर। बैठो। अरे हाँ सुधीर। हाँ। मैं बोला था कि गांव वाली तो तुम बड़ी सेक्सी लेकर आए हो, कहाँ से मारा ये हाथ? सर एक्चुअली मैंने एड में देखा था, तो कॉन्टेक्ट नंबर था, तो फिर मैंने कॉल किया था, तो फिर वहीं से फ़ोन किया, ऑफिस में आई, फिर मैंने यहाँ पे भेज दिया था घर पे। कैसे काम वाम सही कर रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे काम को छोड़ो ना, जोमेटो स्वेगी मर थोड़ी गए हैं, ये तो एक बहाना था पागल। हाँ कुछ बात बनाइए, कुछ पैसे वैसे ले देके, अगर बात बन जाती है तो इस लड़की पर हमारा दिल आ गया है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ तुमसे। तो क्या कुछ हो सकता है क्या आगे? सर अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, बात करता हूँ फिर भी देखता हूँ, अगर कुछ हो सकता है तो कोशिश पूरी करूँगा सर। अरे तुम खिलाड़ी आदमी हो, तुम चाहोगे तो इस खेल को खेल जाओगे। थैंक यू सर, बट एक बार देखता हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा सर। अगर ये कोशिश तुम्हारी पूरी हो गई तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है तो जाओ और इस काम को अंजाम। ठीक है सर, करता हूँ बात। एक बात तो है, जब भी मेरी घरवाली बाहर जाती है मेरे साथ कुछ ऊपर वाला अच्छा ही करता है। क्या
अगर ये परमानेंट ऊपर चली जाएगी तो शायद बहुत अच्छा हो जाए। चलो कोई बात नहीं, पिछली बार तो मैंने अपना इंतजाम खुद कर लिया था और इस बार सुधीर ने भी कोई बुरा नहीं किया, बहुत अच्छी लड़की लेकर आया है। बस बात ये बन जाए तब मजा आएगा। मालिक कितने अच्छे हैं और जो मैनेजर साहब हैं वो भी कितने अच्छे हैं। मालिक इनसे तो मैं भी मिली नहीं, पता ही नहीं मुझे कैसी हैं वो कैसी नहीं हैं। जब मैं उनके साथ रहूँगी तो पता चलेगा। कैसे हो मोनिका जी? हाँ जी सर जी बढ़िया। कैसे काम सही चल रहा है? हाँ जी सर बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं? आइए बैठिए ना। ठीक है। मालिक से हुई बातचीत? हुई मालिक से? हाँ हुई तो थी। कैसे है वैसे? आप बताइए मालिक कैसे हैं, आपने बातचीत किया उनसे? आप तो और भी जानते होंगे ना उनके बारे में। नहीं, हमारी तरफ से तो मालिक बहुत अच्छे हैं, बट आपने बातचीत किया, क्या हुआ, कैसा लगा? नहीं अच्छे हैं। काम कैसा लगा आपको? काम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा मोनिका जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या? ये चीजें हो ही नहीं सकती। मालकिन भी है, मालकिन आएंगी तो क्या सोचेंगी? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, उनकी तो मिलेगी ही मिलेगी। मैं ऐसे छोटे मोटे घर से नहीं हूँ, मतलब मैं अच्छे घर से हूँ। तो आप इतना क्यों सोच रहे? हो सकता है आप नौकरानी की जगह इस घर की रानी बन जाओ। देखो आप ये तो सोचो ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, ऑफिस, जमीन जायदाद सब आपका हो जाएगा। मालिक भी बहुत अच्छे हैं, आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? देख लो, मानना है तो मान जाओ। अच्छा ठीक है, क्या करना है मुझे? वो मालिक बता देंगे, मैं मालिक से बात कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। आप काम करिए आराम से अपना। क्या काम करूँ, आके मेरा दिमाग खराब कर दिया इसने। उस बुड्ढे के साथ कैसे रहूंगी मैं, मुझसे नहीं रह जाएगा। खैर पैसे भी तो चाहिए ना। ठीक है देख लेंगे, और चलो देखती हूँ। और वैसे भी मुझे तो पैसों की ज़रूरत है ना, घर में भी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए अभी ये काम करना ही पड़ेगा। झेल लूँगी कुछ टाइम के लिए इसको, और क्या, बाकी देखते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आगे बातें बढ़ेंगी तो देख लेंगे, पर अगर कुछ गलत हो गया तो हे भगवान प्लीज मालकिन को भेज दो यहाँ पर। ठर के बुड्ढा मेरे से नहीं होगा बर्दाश्त। हाँ जी सर। अरे तुम आ गए, बैठो। सर वो वही कुछ बात, मोनिका से तो बात हो गई है। अच्छा क्या बोला उसने? वो मान गई सर। मान गई? मान गई सर। अरे वाह, इस बार तुम्हारी मैं सैलरी बढ़ा दूंगा। थैंक यू सर। और डबल कर दूंगा, डबल। थैंक यू सो मच। तुमने मेरे मन का काम कर दिया है, जो मैं चाहता था ना तुमने ठीक वैसा ही किया है। ठीक है सर। तो फिर कैसे बात बढ़ाई जाए आगे? अब सर वो मान गई, अब सब आपके हाथ में है, अब आपकी जाए जो करो। अच्छा, अब सब आपके हाथ में है, अब सारी लीला हमें ही रचनी पड़ेगी है। सर वो आपको सबको ही रचनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसका 2 दिन का ड्यूटी लगा दीजिए और अपना 2 दिन का छुट्टी ले लीजिए। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे। हाँ, इनको बोलना कि रात में रुकना पड़ेगा और आप चले जाना। ठीक है सर। छुट्टी पर, और कल मत आना। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। और जैसे ही बात बन जाएगी मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ओके सर। थैंक यू सुधीर। ओके धन्यवाद। थैंक यू। ओके सर, वेलकम, बाय। हाँ लड़का होनहार है, ये बहुत तरक्की करेगा, बहुत। इस काम में तो ये बहुत आगे जाएगा। अभी मैंने इसको बोला 10 मिनट पहले और जाकर इसने सारा काम ही पटा दिया। चलो अब बोल गया है कि जैसा आप चाहेंगे ऐसा हो जाएगा, अब हमें ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखते हैं शाम के खाने पर। ठीक है सर।
देखता हूँ क्या कर रही है। नहीं मैं तो ये क्या मैं देख रही हूँ और मुझे कुछ तो, नहीं है। मैं तो लेट गया था वैसे ही मेरी आंख लग गई बस। अरे मुझे मत बहाने बनाओ, मुझे सब मालूम है। मैं जानती थी मुझे मालूम था कि ऐसा ही होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, अरे बाबा तुम्हारा खराब हो गया है। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? इसे भी मैंने ही भेजा था, मैं सब जानती थी पहले। मुझे सब था तुम पे पहले से ही, और इसको भी मैंने ही भेजा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं जो बोल रही हूँ वही सच बोल रही हूँ। इसका मतलब तुम? हाँ, मुझे तुम पे पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने मैनेजर से कह के इसको तुम्हारे पास भेजा। क्या? और मैं इसीलिए गई थी। वो सुधीर मैनेजर भी तुम्हारे साथ मिला? हाँ, वो भी मेरे साथ मिला हुआ है। तो तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं सब जानती थी। लोग पहले जो कहते थे मुझे उसमें विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज सब देखने के बावजूद वो सारी बातें सच्ची, ये सब समझ में आ गया मुझे। क्या समझ में आ गया तुम्हारी? मुझे सब समझ में आ गया मुझे, और कुछ ज्यादा बहलाने की कोशिश मत करो। मैडम ऐसे ही होते हैं, मैं सब समझती हूँ। देखो कमला तुम मेरी बात। अरे छोड़ो ना, लोग सारे मुझे पहले पड़ोसी भी आके कहते थे तुम्हारे पीछे लड़कियां आती हैं, बोलते थे क्योंकि वो सब तुम्हारी हमारे प्यार से खुश नहीं है इसलिए। अरे छोड़ो, मैंने तुम्हें देख लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया, अब मुझे समझा मत बिना। बाबा मैं सो गया गलती से, वो लड़की सफाई करती करती वो भी साहब। अरे मैं जो देख रही हूँ तुम मुझे क्यों बहका रहे हो? ये मेरी भेजी हुई है, मुझे मत बनाओ साहब। या ये मैडम जो ये बोल रहे ना वो गलत बोल रहे। मैंने ही ये सारा प्लान सारा तैयार किया था, मैनेजर को बोल के मैंने ही इसे रखवाया था। अब मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, सब समझ में आ गया है मुझे। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे कमला? इसका जवाब मैं दूंगी। तुम? हाँ। तुम्हारी हिम्मत नहीं हमारे बीच में बोलने की? क्यों, जब मैडम ने हमें इन्वॉल्व कर दिया इस चीज में तो हमारा पूरा हक। क्या बक रही है कमला ये लड़की? ये सही कह रही है। और मैडम यही चाहती थी कि आप कितने हद तक गिर सकते हो और कितने नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। देखो मुझे सुधीर ने सब कुछ बताया था कि ऐसे 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 ऐसे, हाँ ये मेरे मालिक है, वो तुम्हारे साथ तुमको पसंद करते हैं, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने मना किया था सुधीर को, पर फिर भी ये इस प्लान को हमें अंजाम देना था तो फिर क्या करते, इसलिए मैंने हाँ कर दिया था उसको।
मेरी किस्मत फूटी थी जो मैंने सुधीर पर विश्वास किया। आप चाहे विश्वास किसी पे भी करो, पर ये कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए थी। मेरी नीयत से तुम्हें क्या लेना देना है? आपकी वाइफ को तो लेना देना है ना। आज तक मुझे वो एक बच्चा दे नहीं पाई, तुम उसकी होड़ ले रही हो। अब तुम चुप रहो, ना मुझे कुछ सुनना है और ना समझना है। मुझे आपसे तलाक चाहिए और आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। मेरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा नाम क्यों करूं? अब ये यही होगा और आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगी और वीडियो दिखाते हो और सारा, ये लड़की भी गवाह है और मैं वीडियो भी गवाह के तौर पे दे दूंगी। मेरे साथ ऐसे करोगी? हाँ मैं ऐसा कमला, कमला तो मेरे साथ मेरे साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इनका भरोसा मत करना, ऐसे लोग दोबारा भी ले पेपर ये लो और अभी जल्दी करो, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये लो कमला, ये लो पेन। कमला ये तुम सरासर गलत कर रही हो। जब मेरे साथ गलत होते हुए भी तुम्हें शर्म नहीं आई तो अब कहेगी शर्म? सिग्नेचर करो। देखो ये तुम लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो और आप साइन करो इधर। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। साइन करो, साइन करो और अब जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें देख लूंगा। मैडम आपके तो ये पेपर रख लो, हो गए। क्या हुआ मैडम? हो गया मेरा काम। हो गया? हो गया। धोखा देने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। मैंने सारे प्रॉपर्टी पे साइन करा लिए और तलाक भी ले हो गया मेरा। अब सारी सब बिजनेस आपको ही देखना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलते, चलिए चलो।